दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतें ये उपाय जरूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं अर्थात उनके लिए भी खुशखबरी है मित्रों। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता, इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा हे मां लक्ष्मी, जो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों भगवान के नाम पर कंजूसी ना करें, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों जब पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक इनका शरीर भी नहीं सूखा है। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने अपनी लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति आकस्मिक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाएं और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे, बूढ़े को क्यों उसके लिए रोती है, और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने करुणावश उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं, किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, शिवजी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। दोस्तों थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुए निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं कि मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पापी रहते हैं? अभी तुम्हारे पति को निकलता हूं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर प्रतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इसे एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है, गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूं, जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों
तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह वह 12 बातें बता दीजिए। इसके बाद भगवान शिव उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्वती जी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी शिवजी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिवजी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूरी रखा जाना चाहिए, अब उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रिय, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर एक, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर दो, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है, रूप, तेज, बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, तव और मेधा। नंबर तीन, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर चार, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर पांच, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर छह, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर सात, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर आठ, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सही और गलत आचरण इन्हीं कपड़ों में पाए जाते हैं और ऐसे जल के पास स्नान करना वर्जित है, क्योंकि मनुष्य के कपड़ों में कई तरह के सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, इसीलिए ऐसे जल और तट के पास स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर नौ, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर दस, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है, नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है, शुभकारी माना गया है, सभी तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिवजी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूं जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिवजी ने कहा, हिंदू धर्म में शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है, स्नान को लेकर की गई बातें ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। नहाते समय आपके पूर्वज भी आपको नग्न अवस्था में देखते होते हैं,
भूत प्रेत भी आपको नग्न अवस्था में देखते हैं और वह आपके ऊपर चिपक सकते हैं, आपके शरीर में अपना स्थान बना सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए इन सभी बातों का जिक्र शास्त्रों में किया है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुण पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। दोस्तों, ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज बल धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़े के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ हो सकती है। इससे आपकी कुंडली में धनहानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों का सम्मान करते हैं तो एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता दी।